नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। नवनीत आपका स्वागत करता है। बेहद खास प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम, हमारे श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम किताबें बोलती हैं। और आज किताबें बोलती हैं बेहद खास है, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ेंगी वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, देश की बहुत ही बेहतरीन लेखिका हैं और उनकी किताबों को पुरस्कृत किया जा चुका है। इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिले हैं, नेशनल अवार्ड आपको मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया रजवानी जी, जो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो बहुत शानदार तरीके से लिखती हैं, जानी मानी लेखक राइटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया जी, आपका स्वागत है किताबें बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे रेडियो चैनल्स पर ऐसे भी अब एपिसोड्स आते हैं जिनमें हम किताबें और लेखकों के ऊपर फोकस करते हैं, और हम जैसे नई पीढ़ी के आप लेखकों को बुला रहे हैं और हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम आकर अपने श्रोताओं से बात कर सकें। तो सबसे पहले सबको मेरा वेलकम, और जितने भी श्रोता हैं देहरादून के, मसूरी के, धनौल्टी के, जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, हेलो। और मैं आशा करती हूँ कि ये हमारा जो एपिसोड है ये बहुत अच्छा रहेगा, रोमांचक रहेगा और मेरे श्रोताओं को काफी पसंद आएगा। धन्यवाद नवीन जी। तो निश्चित तौर पर जब सोनिया जी हमारे साथ जुड़ेंगी तो ये प्रोग्राम बेहद खास होगा। सोनिया जी, शुरुआत करते हैं, आप कानून विशेषज्ञ हैं, लेखक हैं, एक माँ हैं, किस तरीके से तालमेल बिठाती हैं इन तीनों में आप? हाँ जी, ये सवाल आई थिंक मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, और कई लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस करती हैं, कि आप एक माँ भी हैं, आप ऑफिस भी जाती हैं, आप काम भी करती हैं और आपने किताबें भी लिखी हैं। और बहुत ही हैरानी की बात ये है कि जितनी भी मेरी किताबें हैं वो मेरे माँ बनने के पश्चात पब्लिश हुई हैं। तो मैं अपने बेटे को एक्चुअली अपना एक लकी चार्म के रूप में मानती हूँ, क्योंकि एक किताब तो मैंने प्रेगनेंसी पर ही लिखी है, और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि जो मेरी पहली किताब है योर्स लीगली, वो मैंने कई साल पहले लिखी थी। जिन लोगों ने मेरी बुक पढ़ी है, उसका शुरुआती पार्ट पढ़ा है, उनको ये बात पता है मैंने 6-7 साल पहले उसका पहला जो ड्राफ्ट है वो लिखा था। लेकिन हैरानी के रूप से 2018 में एक पब्लिशर ने मुझको उसका मेल किया और उसने उसमें अपनी रुचि दिखाई। तो लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, और जहां तक इस चीज को बैलेंस करने की बात है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप किसी चीज को लेके बहुत ही आपकी दृढ़ वो होती है, आप निश्चित रूप से उसको करना चाहते हैं, तो कोई भी ताकत आपको उसके लिए आगे ही पुश करती है और आप किसी भी वजह से बाधा नहीं आने देते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितने भी हमारे जिंदगी में ऐसे रोल होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, कि अगर मैं माँ हूँ या मैं एक लेखक हूँ, ये सब आपस में उनको कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जिस वक्त आप जो चीज कर रहे हैं आप उसको पूरी तरीके से कीजिए। और हाल ही में मैंने एक बड़ी अच्छी चीज इस बारे में पढ़ी कि हम जो बैलेंस करने की बात करते हैं एक्चुअली में वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप रोज अपने आप को भी समय दे पाएंगे, आप ऑफिस में भी पूरा कर पाएंगे, आप माँ की भूमिका भी अच्छे से निभा पाएंगे। अगर हम ऐसा इक्वल समय देना चाहें कि मैं 8 घंटे ऑफिस को दूंगी, मैं 6 घंटे बच्चे को दूंगी, या मैं 4 घंटे अपनी किताबों को दूंगी, तो वो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि रोज मैं हर भूमिका एक साथ नहीं कर पाऊंगी, पर जब मैं जो करूं वो मैं अच्छे से करूं। जब मुझे मौका मिले मैं किताबें लिखूं, चाहे मैं सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे उसको दूं, तो मैं पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ उसको करूं। जब मैं ऑफिस जाती हूं तो मैं एक ऑफिसर हूं, मैं एक लीगल एक्सपर्ट हूं, लीगल एडवाइजर हूं, उस वक्त मैं अपनी बाकी सारी भूमिकाएं भूल जाती हूं। जब मैं घर आती हूं तो मैं पूर्ण रूप से एक होम मेकर हूँ, मैं अपने घर को देखती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है, पर अगर हम ऐसी सोच रखें कि 24 घंटे एक दिन में बहुत हैं, तो आई थिंक हम अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये नहीं, हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि प्लानिंग कितनी जरूरी होती है, और जो 24 घंटे बिल्कुल कम लगते हैं तो वो भी पूरे किए जा सकते हैं अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से प्लान किया है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं सोनिया जी, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और कानून की आपने पढ़ाई की है, आप कानून की ज्ञाता हैं, उसके अलावा जर्नलिज्म भी आपने पढ़ा है। और जब आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और उसके बाद लेखन हालांकि जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन किस तरीके से आपने तालमेल बिठाया कि अब आपको अलग से राइटर, बड़े बड़े नॉवल, उपन्यास भी लिखने हैं? हाँ जी, तो एक्चुअली में मेरा जो लिखने की जो मेरी रुचि है वो मेरी बचपन से है। ऐसा नहीं कि मैं अब कुछ साल पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी किताब लिखूं।
बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक राइटर बनूं। जब मैं क्लास 1 या 2 में थी तो हमको अपनी कोर्स बुक्स के अलावा बहुत किताबें पढ़ने का शौक होता था। हम खेलने में भी रुचि रखते थे, हम हर चीज में रुचि रखते थे, लेकिन हम अपनी छुट्टियों में अपने खाली समय में हम नॉवेल्स, अपनी पंचतंत्र, चंपक, नंदन, हम मतलब मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। और लिखने की जो रुचि है वो मुझे जब मैं स्कूल में थी, कक्षा 5 में थी, तो मैं अपनी स्कूल की मैगजीन के साथ जुड़ी और वहां मैंने हिंदी में 2 आर्टिकल्स लिखे, एक कहानी और एक कविता। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं लिखने में भी रुचि रखती हूँ। और लिखना मुझे एक टाइप का ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने ख्यालों को मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो जैसे लोगों के लिए एक साधना होती है, एक मेडिटेशन होती है, मेरे लिए वैसे ही लिखना था। और अपना नाम एक किताब के कवर पे देखना मेरा बचपन से ही एक सपना था जो कि अब जाके पूरा हुआ है। तो मैं लिखती रही, मैं कहानियां लिखती रही, मैं स्कूल के लिए लिखती रही, मैं कॉलेज की मैगजीन्स के लिए लिखती रही। और मेरा सपना जर्नलिस्ट बनना इसीलिए था क्योंकि उसमें मुझे लिखने का एक मौका मिलता। लेकिन जर्नलिज्म मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज से किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उसके पश्चात मुझे पता नहीं क्यों पढ़ाई और करनी थी, क्योंकि मेरे लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने अपने बीकॉम ऑनर्स के टाइम, ग्रेजुएशन के टाइम किए थे। तो मैं अभी उतनी सैटिस्फाइड नहीं थी और मैं और पढ़ना चाह रही थी। लॉ मुझे लगता है मैंने इसीलिए किया, कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आप जर्नलिज्म के बाद वकालत क्यों करना चाह रहे हो, और मेरे परिवार में मैं पहली वकील हूँ, मेरे खानदान में किसी ने भी वकालत की पढ़ाई नहीं करी है, तो वो मेरे लिए एक अलग चैलेंज था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम जर्नलिज्म में सीखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को प्रकट करना, एक अच्छा प्रवक्ता होना, बोलना, वो सब आपका वकालत में भी काम आता है। और हैरानी की बात देखिए कि जो मेरी पहली किताब आई वो मेरे वकालत के वक्त के ही अनुभवों के ऊपर आई। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो सब आपकी जिंदगी में होता है वो सबका एक मकसद होता है, उसके पीछे कारण होता है। जितना मैंने जर्नलिज्म में सीखा वही मैंने अपने लिखने में यूज किया, और मेरी कहानियां वकालत पर हैं। इस देश में वकालत के ऊपर इस टाइप की कहानियां, ऐसी किताबें बहुत कम हैं, कोर्स की किताबें हैं या हम मूवीज में देखते हैं। तो मेरी किताब उस वजह से एक अलग निखर के सामने आई और हर वर्ग के लोगों को या हर उम्र के लोगों को वो पसंद आई, क्योंकि उन्होंने ऐसी किताब पढ़ी नहीं थी और मेरे अनुभवों पर ही आधारित थी। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक तालमेल बिठा पाई हूँ, जितने भी मैंने डिसीजन लिए अपने जिंदगी में, उन सब का एक पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था जो आज मुझे नजर आता है। सोनिया जी, आपके काम की बात करते हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई आपने की है और आप एक मशहूर लेखिका हैं और एक कॉर्पोरेट लॉयर भी आप हैं। योर्स लीगली आपकी एक किताब जो कानून की बात करती है, कानून के पेंचों की बात करती है, उनको समझाती है, और वहीं दूसरी तरफ बेबी ऑन बोर्ड, तो इन दोनों किताबों का जो विषय है वो बिल्कुल भिन्न है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी सही बात बोली है, क्योंकि जहाँ योर्स लीगली मेरे अपने कानून के प्रोफेशन के ऊपर आधारित है, और जब मैंने वकालत पढ़ी तो जैसे कोर्ट के किस्से, या मैंने जेल में गई तो मेरे जेल के किस्से, क्योंकि हम लोगों को जो भी पिक्चरों में या टीवी पर दर्शाया जाता है, मैं एक अलग चेहरा लोगों के सामने लाना चाहती थी कि वकालत या कानून उतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। दूसरी तरफ जहां तक बेबी ऑन बोर्ड की बात है, खुद बहुत हैरान थी कि मैं जिंदगी में कभी इस चीज के ऊपर किताब लिखूंगी, क्योंकि मैं खुद माँ बनने से बहुत ही डरती थी। मैं सोचती थी कि मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बच्चे के बाद मैं क्या नौकरी कर पाऊंगी, मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी। लेकिन जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा प्रेगनेंसी की तरफ, जितने भी मैंने अपनी इस किताब के माध्यम से, मैं आज की नारियों को यही बताना चाहती हूँ कि हमें इस फेज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसी औरतें हैं जो डरती हैं पर अपनी बात नहीं कह पाती। कई ऐसे हमारे देश में माँ बनने को लेकर बहुत ही, जैसे कहते हैं, मिथ हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे अंधविश्वास हैं, जिनको मैं लोगों के सामने लाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नॉर्मल थे, आप नॉर्मल रहेंगे, आप ऑफिस जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं। मैं आखिरी दिन तक ऑफिस गई, मैं गाड़ी भी चलाती थी, मैं योगा भी करती थी, और मेरे लिए ये पूरा अनुभव एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव था। और ये किताब मैंने आदमियों पर भी लिखी, ये किताब जितनी औरत के लिए है ये किताब उतनी ही आदमियों के लिए है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि माँ और बाप दोनों का
बराबर का इसमें भूमिका होती है। तो क्यों हम माँ बनने पर ही ज्यादा फोकस करते हैं? तो मैं बहुत खुश थी कि बहुत सारे लड़कों ने और आदमियों ने भी मेरी किताबों को पढ़ा है और उसको सराहा है। तो दोनों किताबें मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने जॉनर जो कहते हैं अपने अपने फील्ड में अलग हैं, और दोनों कहानियां ऐसी हैं जो मैं उस चीज को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरी फीलिंग थी कि ये दोनों कहानियां बाहर आनी चाहिए। इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी कि ये कहानियां और ये किताबें सामने आए, और दोनों मेरे, जैसे मैं कहूंगी, दोनों मेरे एक्सपीरियंसेस पर ही बेस्ड है। योर्स लीगली में थोड़ा सा कहानी मैंने बनाई है, लेकिन जो बेबी ऑन बोर्ड है वो मेरी पूरी सच्ची कहानी है। उसमें कुछ भी ऐसा मनगढ़ंत या कुछ सोचा हुआ नहीं है, वो पूरा सच है। जो मेरी खुद की सोच है वो मैंने सामने लाकर रखी है। सोनिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है और आप इतने महिलाओं के विषय पर इतने मुखर होकर बात करती हैं, आप एक जानी मानी कानून विशेषज्ञ हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई आपने की है, आपको क्या लगता है कि आज भी हम देखते हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि महिलाएं अपनी बात आज भी खुलकर नहीं रख पा रही हैं? क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ हमने थोड़ा सा बदलाव देखा है कि आजकल बहुत ज्यादा फिर भी औरतें सामने आ गई हैं, बड़े बड़े अफसरों में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, पर अगर आप देखिए वो जो परसेंटेज है हमारे देश में वो ज्यादा से ज्यादा 10-15% होगा। आज भी हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो डरती हैं, वो अपने खुद के फैसले लेने से डरती हैं, चाहे वो उनके पढ़ाई को लेकर हो, उनके करियर को लेकर हो, या सिंपल सा एक ऐसा फैसला जो आई थिंक उनकी पूरी जिंदगी को असर करता है, जो कि होता है कि आपका लाइफ पार्टनर कौन सा होना चाहिए। आज भी औरतों को या लड़कियों को वो फैसला लेने का भी हक पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं वो आपके माँ बाप या आपके परिवार रिश्तेदार, वही आई थिंक 80% लोगों के लिए तय करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आपके पति आपको कितना सपोर्ट करेंगे, आपको कितना, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको फ्रीडम मांगना पड़ेगा अपने बाहर जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ठीक है हम जैसे लोगों को फिर भी एक मौका मिल रहा है कि हम अपनी बात को कह पा रहे हैं, पर हम भी एक रिस्क लेके ही कहते हैं, क्योंकि मेरे सबसे हर औरत को एक डर होता है, जो एक होता है ना लोग क्या कहेंगे, वो जो एक सोच है वो अभी भी हमारे देश में हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है कि हमें लोग जज करेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। सबसे पहले डर तो हमें अपने घर वालों का ही होता है कि हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली क्या बोलेगी, या हमारे समाज में हमारी कैसी छवि बनेगी। हमें अपनी छवि का इतना डर रहता है कि हम आधी से ज्यादा बातें तो कह ही नहीं पाते हैं। वही मैं कह रही थी, जैसे आज के तारीख में बहुत लड़कियां हैं जो शादी नहीं कर रही हैं या जो बच्चा नहीं करना चाहती हैं, ऐसी मात्रा बहुत कम है, और उनको समाज की औरतें ही एक बहुत ही अलग नजरिए से देखती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पुरुष ही उनको अलग नजरिए से देखते हैं, बल्कि जो हमारी औरतें हैं वही उनको ऐसे नजरिए से देखती हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए अभी भी बहुत वक्त लगेगा कि गांव में, छोटे शहरों में औरतों को बाहर निकल के आने का और उनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अभी वक्त लगेगा। सोनिया जी ने इतनी किताबें लिखी हैं, पुरस्कारों की बात करते हैं सोनिया जी, क्योंकि आपकी किताबें जो हैं वो बोलती हैं, और जिस तरीके से मैं अगर पुरस्कारों की बात करूं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी जो बहुत ही प्रतिष्ठित सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड 2020 का आपको मिला है फॉर वर्किंग वुमेन, इसके अलावा जो आपकी किताब है बेबी ऑन बोर्ड को, उसको भी जूरी अवार्ड मिला है, इंडियन लिटरेरी अवार्ड जो मिला है। जब कोई पुरस्कार होता है तो जिम्मेदारी लेकर के आता है, किस तरीके से देखती हैं सोनिया सहजवानी जी? बिल्कुल, देखिए मैं आज भी कहती हूँ कि पुरस्कार मेरे लिए, मेरे को मिले हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो एम था, मेरा जो मकसद था लेखक बनने का, वो ये था कि एक तो मैं लोगों में लिखने का और पढ़ने का जो रुचि है वो मैं वापस लाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आज की तारीख में भी मेरे खुद के आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो किताबें पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। वो लोग खेलने चले जाएंगे, वो लोग पिक्चरें देख लेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नेटफ्लिक्स या अमेजोन देख लेंगे, क्योंकि वो विजुअल माध्यम उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन जहाँ किताब पढ़ने की बात आती है तो लोग थोड़ा सा आलस करते हैं। मैंने इसलिए ऐसी बहुत ही सिंपल कहानियां और छोटी किताबें लिखने का खुद ऐसे डेलिबरेटली मैंने स्ट्रैटेजी से सोचा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि लोग पढ़ें, उनको किताबें पढ़ने का शौक हो, और ऐसी किताबें पढ़ें जो उनको ज्यादा समय ना लगाना पड़े, वो 3-4 घंटे या 5-6 घंटे में किताब को खत्म कर पाए। ऐसा उपन्यास लिखने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है जो कि बहुत 400-500 पेज का है और लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं।
दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी लेखक बनूं जो लोगों को इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे। जैसे अगर मेरी किताबें पढ़कर कोई अपने करियर को लेकर कोई डिसीशन ले पा रहा है या लोगों का लॉ करने में रुचि आ रही है तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता देता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो आपको उसकी अहमियत का एहसास होता है और आपको अपने रोल का एहसास होता है कि अब हम एक रोल मॉडल हैं, लोग हमारी किताबें पढ़ रहे हैं, उससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। तो वो एक उत्तरदायित्व हम पे बिल्कुल आता है। और जैसे सरोजिनी नायडू अवार्ड है वो मेरे लिए बहुत मायने रखा, क्योंकि ऐसे जो पुरस्कार होते हैं जो वाकई में आपके काम को फेलिसिटेट करते हैं और उसको रिकग्नाइज करते हैं, ऐसे पुरस्कार बहुत कम होते हैं। पर जो जेन्युइन अवार्ड होते हैं जब वो मिलते हैं, जैसे बेस्ट राइटर ज्यूरी का अवार्ड मिला जिसमें वोटिंग हुई, जिसमें नॉमिनेशन हुए, तो ऑब्वियसली किसी को भी आई थिंक पुरस्कार जीतना अच्छा ही लगता है। पर मैं आज भी इस बात को मानती हूँ कि मैं एक ऐसी लेखक जाना जाना चाहती हूँ जो लोगों को अपनी मन की बात कहती है और खुल के कहती है और लोगों को इंस्पायर करना चाहती है। ये मेरा मेन मकसद है लेखक बनने का। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि अगर समय की हम बात करते हैं तो क्या तकनीक ने ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग को प्रभावित किया है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने? बिल्कुल किया है सर। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम पे, क्योंकि अब हम लोग इतना एक एक डेढ़ डेढ़ साल घर गए, तो कोविड का टाइम लेखकों के लिए एक्चुअली बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि लोगों के पास अब घर में समय था कि वो किताबें पढ़ रही हैं। तो जैसे पहले ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होता था, बड़े बड़े हमने पब्लिशर्स के नाम सुने हैं, रूपा और आपके बाहरी सन और पेंगुइन, लेकिन अब आजकल हम जो नए लेखक हैं, नए ऑथर्स हैं, उनको मौका देने के लिए अब एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे मेरा पब्लिशर बिकम शेक्सपियर, जो लीड स्टार्ट पब्लिशिंग का एक सिस्टर कंसर्न है, वो बॉम्बे बेस्ड है। मैंने पिछले 2 साल में आज तक उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं करी। पब्लिशिंग का प्रोसेस इतना बदल चुका है कि सब कुछ ईमेल पे और फोन के माध्यम से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और मेल से ही सब कुछ आपका एक्सचेंज होता है। और आज के डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, जैसे अब आपके पास किंडल ई बुक्स का भी ऑप्शन है। अब मेरी योर्स लीगली जो किताब है वो एक ऑडियो बुक के माध्यम से भी आई है, क्योंकि जिन लोगों को किताब पढ़ने का शौक नहीं है, तो मैंने अपनी ही आवाज में योर्स लीगली को रिकॉर्ड किया और एक बुक प्रमोटर लिट्रोमा के थ्रू योर्स लीगली आज के डेट में स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट सब पर अवेलेबल है एज एन ऑडियो बुक। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के पास आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो जो पुराना जमाना था वो गया, अब नए ऑथर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी मौके हैं अपने आप को सामने लाने के लिए डिजिटल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो चीजें लेखकों के लिए काफी पॉजिटिव है, काफी बदलाव आया है। और आपकी किताब की बात करते हैं, ये नाम मुझे बहुत अपील कर रहा है, आपकी सिया LLB, क्या है सिया? हाँ जी, देखिए सिया जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हस्बैंड सुलभ सैनी जी को इस टाइटल का शीर्षक का श्रेय देना चाहूंगी और मेरे दोस्त नितिन टंडन जी को इसका कवर का मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगी। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी। योर्स लीगली का ही हिंदी ट्रांसलेशन है जो कि आपकी सीए LLB है, क्योंकि मैं हिंदी पाठकों की तरफ मैं जाना चाहती थी, क्योंकि जितना मैं इंग्लिश में लिखने का शौक रखती हूँ उतना ही मैं हिंदी में भी लिखने का शौक रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारे देश में अब बहुत ज्यादा इग्नोर हो गई है, हमको उसको और प्रमोट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा था कि जो मेरी कहानियां हैं वो हिंदी में भी पाठकों को बहुत पसंद आएंगी, और मैंने खुद इसको एडिट किया और हिंदी में लिखने में मुझे बहुत मजा आया। शीर्षक हमने सोचा कि योर्स लीगली की जगह हम इसका शीर्षक कुछ और रखते हैं, और क्योंकि मेरी कहानियों की जो मुख्य नायिका है वो सिया है, तो इसलिए मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने ये शीर्षक जो है सजेस्ट किया, आपकी सिया LLB, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप सिया नाम देखें तो मेरा नाम सोनिया है, और अगर आप उसमें से ONN हटा देंगे तो एक्चुअली में सिया ही बनती है। तो सिया बहुत हद तक मैं हूँ और मैं बहुत हद तक सिया हूँ। सिया नाम मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, अगर मेरी बेटी होती तो मैंने सोचा था कि मैं उसका नाम सिया रखूंगी। मैं आई थिंक आगे जो भी किताबें लिखूंगी उसमें सिया ही मेरी नायिका रहेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो मेरा ही एक रिफ्लेक्शन है, मेरी एक एक्सटेंशन है सिया। तो ये है सिया के पीछे की कहानी। वाह क्या बात है सोनिया जी, आपसे बात करने का बहुत हमारा मन कर रहा है, लेकिन जो स्टूडियो की घड़ी है वो हमें अभी परमिशन नहीं दे रही है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो युवा राइटर्स हैं जो लेखन में आना चाहते हैं, उनको सोनिया जी क्या कहेंगी?
देखिए अभी तो मुझे लगता है कि मुझे ही बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत एक ऐसा सुझाव है जो मैं हमेशा हर इंटरव्यू में और मोस्टली हर सेशन में यही बोलती हूँ कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, जितनी आप अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग जॉनर्स पढ़ेंगे, उतना ही आपका जो दिमाग खुलेगा, आपके हॉराइजन्स एक्सपैंड होंगे। और लिखते रहिए, अगर आपकी किताब छपती है नहीं छपती है, फिर भी अगर आपका एक सपना है लेखक बनने का, जैसे मेरी, मुझे 6-7 साल लग गए अपनी पहली किताब को छापने में, लेकिन मैंने लिखना बंद नहीं किया। आप ब्लॉग लिखिए, आप कहानियां लिखिए, आप आर्टिकल्स लिखिए, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखिए, तो लिखते रहिए और अपने काम को देखते रहिए, उसको रिव्यू करते रहिए। कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में जो आपको एक अलग नजरिया दे सकता है आपके काम को पढ़कर, कहते हैं ना एक लेमैन पर्सपेक्टिव, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो उसको आप इन्वॉल्व कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने दिल से लिखिए। मैं जो भी लिखती हूँ अपने मन से और जो मुझे सही लगता है, जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं वो लिखती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि वो बाजार में कैसा बिकेगा, क्या वो कमर्शियली ये टॉपिक चलेगा कि नहीं। मैंने दोनों टॉपिक से बहुत बड़ा रिस्क लिया क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो अगर आज की डेट में अगर माइथोलॉजी बहुत चल रहा है या रोमांस फिक्शन बहुत चल रहा है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी रेस में हूँ, आप अपनी रेस में रहिए। आप चेतन भगत या आप अमीश, आप किसी की तरह बनने का ना सोचिए, आप अपनी एक पहचान बनाइए एज अ लेखक। ये मेरा एक सबसे बड़ा सुझाव रहेगा। और कभी भी हार ना मानिए, गिव अप ना कीजिए। अपने सपने को पूरे करने के लिए आप ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जो आपके लोग हैं आसपास के, वो जरूर आपके साथ हैं, लेकिन जब तक आपके खुद के मन से नहीं होगा कि मुझे ये करना है, तभी आप कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सोनिया जी ने कि आपको अपनी पहचान बनानी है। यू हैव टू बी ओरिजिनल। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। जो आप समझते हैं, जो चीजें आपके मन में है, आपको उन्हीं को उजागर करना है। और डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी है, तभी आप एक बेहतर लेखक बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज किताबें बोलती हैं मैं, हमारे साथ जुड़ी देश की जानी मानी प्रोलिफिक राइटर, जर्नलिस्ट, लीगल एडवाइज़र सोनिया सहजवानी जी, जिन्होंने किताबें बोलती हैं के इस खास सेगमेंट को बेहद खास बनाया। सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड थैंक यू वेरी मच।